हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिन बच्चों ने ईओ का फॉर्म फिल कर रखा है, जो कि अभी नवंबर 26 को उनका एग्ज़ाम है, तो उनका जो सिलेबस है वो लेके आए हूँ। जिनके पास सिलेबस नहीं है, जिनको कोई और एग्ज़ाम के सिलेबस भी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये सिलेबस है ईओ का, अधिशासी अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस है। तो जिन बच्चों के पास सिलेबस नहीं है वो देख लें, इसमें से अपने सिलेबस को नोट कर लें। देखिए, इसका पहला पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है, वो हिंदी का है। पहला पेपर हिंदी का होगा और इसमें जो है वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि, जो ये सब चीज़ें हैं 15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का, ठीक है। सेकंड है हिंदी समूह, शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, ठीक है, ये होगा 10 मार्क्स का, 10 नंबर में पूछा जाएगा। थर्ड है हिंदी शब्द रचना, यानी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, 10 नंबर का ये आएगा। फोर्थ है हिंदी शब्द रचना, पर्यायवाची और विलोम शब्द, 10 नंबर के ये पूछते हैं, ठीक है। पांचवा है हिंदी शब्द रचना, यानी उसमें आएगा अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, श्रुति समास, है ना, श्रुति सम, भिन्नार्थी जो शब्द हैं, 10 नंबर में ये आएगा। और सिक्स्थ है वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अशुद्धि शोधन, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन, ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे 10 नंबर में, ठीक है, और विराम चिन्ह जो होते हैं 5 नंबर का वो पूछा जाएगा। और दसवां है व्याकरण विचार, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक, इन सब से 15 मार्क्स का आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 100 मार्क्स का पेपर हो गया। 2 घंटे की समय अवधि है एग्ज़ाम का, है ना, तो 26 नवंबर को है। तो जिन्होंने सब अभी तक सिलेबस नहीं देखा है वो यहाँ से देख लें। अब आगे चलते हैं, दूसरा पेपर होगा तो उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। देखिए, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, पेपर सेकंड, ठीक है, 3 घंटे का होगा ये, 3 घंटे की समय अवधि है और 200 क्वेश्चन आएंगे। इसका सिलेबस देख लो। प्रथम है जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य में जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ हैं, तो वो 20 नंबर में पूछी जाएंगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे गठबंधन, सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद तथा पृथकतावादी आंदोलन, है ना, नक्सलवाद, माओवाद, जो ये सारी घटनाएं हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति मुद्दे एवं विवाद, भूमंडलीकरण का विकासशील देशों को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव एवं वैश्विक खाद्य संकट सम्मिलित होंगे। तो ये सब चीज़ें 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करना। दूसरा है 10 नंबर में खेलकूद से रिलेटेड पूछेंगे, विश्व में, भारत में, उत्तराखंड, मतलब जो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के जो भी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो पुरस्कार हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, इस पे आधारित प्रश्न होंगे 10 नंबर में, ठीक है। तीसरा है भारत का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री से पूछेंगे, भारत के प्राचीन, ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ठीक है, तीनों जो मेडिवल, एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके अंतर्गत भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति, तो ये सब आएंगे 20 मार्क्स में, ठीक है, जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड। फोर्थ है भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, ठीक है, भारत का जो हमारा जो
संविधान है उससे 20 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन ना किया हो। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं पूछेंगे, जिसको नॉर्मली सब मतलब बेसिक चीज़ें जो हमारे संविधान है उसके बारे में पता होनी चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बनाए गए विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य उपयोग आयोग से संबंधित प्रश्न भी होंगे। ठीक है, जो हमारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपको पूछी जाएंगी 20 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या 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 पढ़ना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ से प्रति जो संबंधित प्रश्न होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो पहले आप अपना सिलेबस कवर कीजिए और उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ बनाइए। ठीक है, करंट अफेयर्स जितना अच्छा करोगे तो काफ़ी चांसेस हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो भारत का जो भूगोल एवं जनांकिकी है 6th, तो इसके अंतर्गत आपको भारत के भौगोलिक परिस्थिति किया, सामाजिक, आर्थिक एवं जननांकीय, ठीक है, पहलुओं के सामान्य समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इंडिया की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 20 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, अगला है सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। ठीक है, जनरल साइंस और एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की समझ एवं अनुप्रयोग जिसमें दैनिक जीवन के प्रेक्षण एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे जिसकी किसी भी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होंगे, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है जिसने पढ़ी है एनवायरमेंट और जनरल नॉलेज, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो उसी के अंडर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हैवी नहीं होंगे। और जिसने विज्ञान का किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि स्पेशली आपने उसी की जो स्टडी की होगी फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है, बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी। जैसे कि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं हो गई हैं, उनके समाधान, मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएं, है ना, अनुवांशिक अभियंत्रण के मानव हित के अनुप्रयोग, पशु पक्षी एवं पादपों के रोग तथा इनकी रोकथाम, नवीनीकरणीय एवं गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो इसमें जो पादप जगत में जो रोग होते हैं फसलों के, सब्जियों के, ये आएंगे। अनुवांशिक जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। पोषणीय आवश्यकताएं यानी विटामिन्स के बारे में आ सकता है कि इस विटामिन से कौन सी रोग होता है, इसको इसकी पूर्ति के लिए, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब पूछी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय कृषि, है ना, भारतीय कृषि से भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत फसलों, श्वेत, पीत एवं हरित क्रांति जो हुई है, कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान किस प्रकार से रहा है वो पूछा जाएगा। कृषि के क्षेत्र में नैनो एवं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारतीय किसानों की समस्याएं एवं भूमि सुधार, ठीक है, कीटनाशकों का वर्गीकरण और सही प्रयोग, कैसे कैसे कर सकते हैं हम कीटनाशक का, है ना, जो कि हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टाइल मिट्टी होती है उनको भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और इसके रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट क्या क्या अच्छे कदम उठा रही है, ये सब मतलब अपने जो भी नोट्स बनाओगे करंट से रिलेट करके बनाने हैं, अपने जो भी स्टडी करोगे सिलेबस को तो करंट से रिलेटेड करके ही पढ़ना। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मृदा स्वास्थ्य एवं सुधार, जैविक खेती, है ना, एवं इसके जो लाभ हैं उस पर आधारित क्वेश्चन भी होंगे।
जैविक खेती से क्या लाभ होगा और अजैविक खेती से क्या हानि होती है, क्या हमें बेनिफिट मिलता है, ये सब चीज़ें देखनी है। नाइन्थ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस भाग में उम्मीदवारों के जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास तथा कंप्यूटर संबंधी आधारभूत ज्ञान तथा साइबर अपराध के ज्ञान का परीक्षण होगा। तो इससे रिलेटेड आएंगे, 10 मार्क्स का है। 10th है उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से भी क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स का है, थोड़ा इसका पोर्शन थोड़ा बड़ा है सिलेबस में। उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है थोड़ी हार्ड है, मतलब कन्फ्यूजन बेस्ड है। उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, प्राचीन काल से यानी 1200 ईस्वी से मध्यकाल 1200 से 1815 तक, प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, विशेषकर कत्यूरी, परमार और चंद जो राजवंश हैं इनकी जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, ये पढ़ने हैं। और गोरखा आक्रमण शासन, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत और उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित जो प्रमुख विभूतियां हैं, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक हैं, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ठीक है, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में जो योगदान रहा है वो, विभिन्न समाज सुधारक आंदोलनों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के जो विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। ओनली 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आप पढ़ना। 11वां है उत्तराखंड की सांस्कृतिक, ठीक है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में, ठीक है, जातियाँ एवं जनजातियाँ, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, जागर, परंपराएं एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले, त्यौहार, खान पान, कला, शिल्प, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं, उनका हिंदी साहित्य एवं लोक साहित्य में योगदान, उत्तराखंड शासन द्वारा सांस्कृतिक के विकास हेतु उठाए गए कदम, तो ये सब आएगा, ठीक है। 12वां है उत्तराखंड का जो भूगोल है उसके बारे में, भौगोलिक स्थिति, हिमालय की प्रमुख विशेषताएं, उत्तराखंड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी, ठीक है, प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र, सिंचाई के साधन, जल विद्युत, कृषि, जोतें, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं और आपदा प्रबंधन, जल संकट और जलागम प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएँ, पर्यावरण में पर्यावरणीय आंदोलन, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, उत्तराखंड की जनसंख्या वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सब जो जनसंख्या, ये पलायन, जो भी सब चीज़ें हो रही हैं, 10 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस है, इसी के 3 घंटे का पेपर है, तो है ना, सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। 13वां है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा। उत्तराखंड में जो गठित सरकारें हैं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो हमें गवर्नमेंट दे रही है, प्रदेश की जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता, ठीक है। अगला है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें क्या आएगा, गोरखा एवं ब्रिटिश शासनकाल में जो भूमि संबंधी व्यवस्थाएँ थी, जिला भूमि प्रबंधन यानी थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं स्वयं वन, केसर हिंद, बैनाप भूमि, नजूल, नयाबाद, बंदोबस्त, जो भी ये चीज़ें हैं ये आएगा। आधुनिक काल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, जमींदारी उन्मूलन एवं विभिन्न व्यवस्था, अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधार, लैंड टेन्योर में जो परिवर्तन है वो आएगा, लगातार वसूली व्यवस्था और राजस्व पुलिस की व्यवस्था, ये सब चीज़ें 20 नंबर में आएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें जो एक टॉपिक ये हो गया राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रवेश, सेकंड प्रशासनिक व्यवस्था एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी जो थोड़ा हिस्ट्री, जो बैकग्राउंड है वो भी जानना है। लास्ट थर्ड है इसमें आर्थिक परिवेश, ठीक है, आर्थिक परिवेश में क्या होगा। सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार और व्यापार की जो वर्तमान स्थिति है वो भी बतानी है, और
जो प्राचीन में है वो भी बता रही है, ठीक है, कितना सुधार हुआ है, कैसा जो अब डेवलपमेंट है वो हो रहा है। स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की लाभकारी स्थिति और चकबंदी की आवश्यकता और बेगार तथा डडवार प्रथा, ये सब चीज़ें जाननी है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के जो आर्थिक प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग तथा इनके उपयोग की जो वर्तमान स्थिति है, उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, आर्थिक क्रियाएं एवं इनका जो राज्य डीजीपी में योगदान है वो, सॉरी जीडीपी जो है उत्तराखंड की, तो उसमें क्या योगदान है इसका वो भी बताना है। उत्तराखंड के जो विकास की प्राथमिकताएं तथा नियोजन की नवीन रणनीति और समस्याएं, उत्तराखंड में जो विपणन की सुविधाएं और कृषि मंडियां, उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषताएं, ये सब चीज़ें 10 नंबर में पूछी जाएंगी, तो ये भी पढ़ना है। अब लास्ट है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र, ठीक है। इस भाग में अभ्यर्थी की 10 अंक की सांख्य आरेखों एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना एवं निष्कर्ष निकाले और उनका निर्वचन करने की योग्यता की परीक्षण होगा, ठीक है, ये 10 सितंबर की होगी। तो ये रहा आपका टोटल सिलेबस अधिशासी अधिकारी का, ठीक है बच्चों, आपके साथ मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो फिर से देख लेना एक बार, फिर से अपना सिलेबस आपको बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए, पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, हमें क्या क्या कवर करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर माइंड पे मत देना, आराम से अपनी तैयारी करते रहो। वैसे टाइम अब बहुत कम है, 26 को एग्ज़ाम है, 1 महीना भी पूरा नहीं है, तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए अपनी तैयारी में। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक, जय माता दी।